धन्यवाद सर। अगले किसान है श्री अशोक सिंह, ग्राम बिरसैया। आप सभी किसान बंधुओं से आग्रह है कि तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए प्लीज। तालियों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अगले किसान है धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अगले किसान है। धन्यवाद सर। अगले धन्यवाद सर। बहुत स्वागत कीजिए। अगले किसान है, ताली बीच में बजती रहे तो सभी को अच्छा लगेगा। निवेदन है आपसे। ओके धन्यवाद सर। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे धन्यवाद सर। अगले किसान है श्री नंद कुमार मेहता, चांदपुरा कटिहार। कृपया स्टेज को ऊपर आइए सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अगले किसान है श्री शालिग्राम शर्मा, मध्यपुरा। शालिग्राम शर्मा सर प्लीज।
धन्यवाद सर। अगले किसान है, तालियां बजती रहे थोड़ी थोड़ी तो। मध्यपुरा कृपया स्टेज पे आए सर। राजकिशोर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियां थोड़ी थोड़ी बजती रहनी चाहिए, वो तालियां फिर आपको भी रिकॉर्ड मिलेगी। ओके धन्यवाद सर। अगले किसान है श्री कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे नव भारत फर्टिलाइजर्स की तरफ से हम सभी किसान बंधुओं का एक छोटा सा सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पूरा सफल होगा। अगले किसान धन्यवाद सर। हमारे अगले किसान है श्री शंकर सिंह। आपको देख रहे हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे धन्यवाद सर। हमारे अगले किसान है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थोड़ी थोड़ी तालियां बजनी चाहिए सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को हमारी कंपनी के द्वारा एक छोटा सा सम्मान देते हुए सम्मानित करने की। धन्यवाद सर। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे धन्यवाद सर। हमारे युवा कृषक के लिए
धन्यवाद सर। हमारे धन्यवाद सर। हमारे अगले किसान है श्री कामेश्वर सिंह ग्राम हमारे अगले किसान है बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अगले किसान है श्री सुरेंद्र सिंह मदन धन्यवाद सर। हमारे ताली बजाने में एक्सरसाइज है आपके ब्लड सर्कुलेशन का धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे अगले शिक्षक हैं श्री धन्यवाद सर। आप लोगों ने इस जो समारोह का हमने आयोजन किया जो आप लोगों जिला शायद और भी कोई कृषक बंधु शायद नहीं छूटे होंगे धन्यवाद सर आप लोगों के सहयोग के लिए। अब धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे चीफ गेस्ट को सम्मानित किए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अतिथिगण किसान भाइयों इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। इस अवसर पे उसाद ने मेरा नाम बताया जैविक प्रोडक्ट हमारे बीच लेके आई थी इसीलिए इस कंपनी में गोभी ये सब कुछ तोड़ के हम लोग खा लेते थे लेकिन जब भरपूर केमिकल का उपयोग हमारे खेतों में होने लगा तो आज हम खेत में जाने के बाद वो कोई भी सामान को टच करना मुश्किल हो गया कंटिन्यू है और जब तक मेरा दम रहेगा काम करने का तब तक इसी कंपनी में काम करते रहेंगे। उस कार्यकर्ता टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद वो लोगों का भी कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा रहा और कटिहार टीम भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया भी किसानों को बता सके जागरूक कर सके। ऐसा उम्मीद करते सर हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे सर आपका सपोर्ट चाहिए ऐसा ही सम्मान समारोह भी हम लोग करेंगे और साथ साथ यूपी जो हमारा बगल का स्टेट है वहां से भी
अमित होटल इंटायर टीम को, ये रवि जी हमारे हैं वो काफी कॉपरेट करते हैं और बहुत अच्छा इंतजाम किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवि जी, रवि जी हम सफल नहीं हो सकता, खासकर आप किसान बंधुओं का तो बहुत बहुत आभार। और सर ने एक जोनल हेड सर ने एक और चीज आपको बताया है कि आपका रेफरेंस में 1 मार्च को हमारे जो भी सर आईएससी करेंगे, आईए करेंगे, इनकम करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करके आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, बहुत सारा उनका ख्वाब होता है। लेकिन जब उनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है तो गार्जियन के तरफ से सपोर्ट भी उनका बंद हो जाता है और मार्केट में कहीं काम भी नहीं मिलता है। वैसा बेरोजगारों में आज और ज्यादा ऊंचाई में होते इस कंपनी को। तो आपसे अनुरोध है नवभारत फर्टिलाइजर में भेज दीजिए, उनका भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इस कंपनी का इतना सपोर्ट है कि हम थोड़ा सम्मान करेंगे। पंक्ति कार्बनिक खेती, भाई फोन सर से बात किया और सर को मिलने के लिए भी गया पटना में, सर थोड़ा बिजी थे मिल नहीं पाया, बहुत अफसोस होकर उदास होकर आया सर और सर से कंटिन्यू बात किया, सर से सपोर्ट मिला और आज ये प्रोग्राम मेरा 100% सक्सेस लगा, इसलिए मैं सबसे आभारी हूँ। जी का कार्यक्रम मैं यही समापन करता हूँ। सर कुछ बात करना चाहेंगे। हम सभी किसान लोग, हम लोगों का भी कुछ परंपरा है, इन लोगों ने इतना स्वागत किया तो हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि इनको अपने तरफ से सभी बिहार के किसानों के तरफ से, बिहार में रासायनिक खाद का हाहाकार मचा हुआ है, हम सभी लोग रासायनिक खाद पर निर्भर हो गए हैं। आज हम लोगों के खेती का स्थिति है, एक बोरा यूरिया के लिए 100 लोगों के बीच, 1000 लोगों के बीच लंबी लाइन लगाना पड़ता है। हम लोग 50 एकड़ खेती करते हैं। अब परिस्थिति यह है कि मैंने न भारत फर्टिलाइजर का कुछ प्रोडक्ट मैंने जमीन में डाला था, उसके बाद प्रथम पटवन में दिया, आज स्थिति यह है कि अब जहां नाइट्रोजन की जरूरत है वहां तो यूरिया देना ही पड़ेगा। और हमारे सर जी बोले थे भूसा से जाए हुए हैं कि एकाएक आप किसी भी रासायनिक खाद को आप कम नहीं कर सकते हैं, इससे आपका इल्म में कमी आएगी, ऐसा करने में आपको 5 से 7 साल लगेगा। तो हम पुनः न भारत फर्टिलाइजर के मैनेजमेंट को ये दायित्व देना चाहते हैं कि आप नाइट्रोजन, एमओपी, फास्फेट और पेस्टिसाइड, इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालिए ताकि हम लोग जो आपके इस प्रोडक्ट का 2004 से उपयोग कर रहे हैं, जो जब आपके कंपनी का नाम नवा भारत नहीं एनएवी नव भारत था, फिर बाद में नव भारत नवा भारत आया, तो हम लोग को हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप हम जैविक पर आधारित हो जाएं। इसलिए मेरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो अक्टूबर प्लांट का हम लोग खेती करेंगे पूरे बिहार में, अक्टूबर प्लांट का ही मैंने 75% लोग अक्टूबर प्लांट नहीं करते हैं, उसमें आप इस प्रकार के प्रोडक्ट का कमी नहीं होने दीजिएगा। पुनः आप सभी लोगों को हम किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आप लोगों की तरफ से भी धन्यवाद मिला, हम लोगों को काफी खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये समारोह हम सहयोगी मिले तो आप उन्हें गाइड करें, आपसे ऐसा कमी हुआ ताकि नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको हर हाल में सुधार सके। धन्यवाद सर। यस यस, कर्मचारियों से निवेदन करूंगा किसान भाइयों को बाहर तक छोड़ने में सहयोग करें।
किसान भाइयों को बाहर तक छोड़ने में सहयोग करें।